गोल गोल गुड़िया कटाई दो सुपे ले लो तो सिया सब समझौते की मतलब कटवावे खाते और जो सबसे मेहनत के दाम ले वाला हूँ सो एक तेल है ये क्योंकि हम इतने मछली में डाली होता है बहुत बढ़िया लग रही रास में वो दिन भूंज के तो हाथी चुके होगा जा रहा है दिन के मछली टेस्ट बहुत ज़्यादा तेल लागल है तेल समेत बनते ही तो अच्छा रहता तेल पटका बनाओ सरकारी में रख दे हौ का है लाल का है हां बिक दे बिक दे पैसा लगा दे कि नहीं करी जी में मछली धो के इसमें हल्दी डाल रही हूं दोस्तों देखिए बाद में नमक डालूंगी इसको मिला हल्दी मिला चुके हैं दोस्तों देखिए देखिए तेल गर्म हो चुका है इसमें मछली डाल रहे हैं मछली को फ्राई कर लेंगे उसके बाद मसाला डालेंगे इसी तरह इसको भूनेंगे दोस्तों थोड़ा
हाई फ्लेम पर इसको भूनेंगे ताकि काढ़ा बन जाए। देखिए दोस्तों मछली का पीस सब तल कर रखी हूँ और इसको भी जो है इसको निकाल लेती हूँ। अरे ये मछली का अंडा है इसको भी तल और ये सरसों का फोरन थोड़ा सा इसमें डाल देती हूँ। मर्चा भी डालूंगी। और ये सब मसाला है दोस्तों, देखिए लहसुन है और जीरा गोलकी है और राई भी है और पीला सरसों भी है और सूखा मसाला में धनिया मर्चा हल्दी और नमक है और धनिया पत्ता टमाटर डालूंगी उतार देती हूँ। देखिए दोस्तों पिसा हुआ मसाला जो है वो डाल रही हूँ। और ये सूखा हुआ मसाला सब है, नमक भी साथ में सब डाल देती हूँ। टमाटर भी साथ में डाल देती हूँ। उसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी दोस्तों भूनने के लिए। पानी डालकर मसाले को भूनने से मसाला अच्छी तरह से भुना होगा। तो पानी डाल चुकी हूँ, अब इसको 2-3 मिनट तक पूरा लाल होने तक तलेंगे भूनेंगे। भूनकर उसके बाद में पानी डालेंगे। अब मसाला भून चुका है, देखिए तेल छोड़ चुका है मसाले से, तो इसे देखकर ही लगता है मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी डाल लिए हैं, धनिया पत्ता डालते हैं। अब जब ये खोल जाएगा पानी रस इसका, तो इसमें मछली डालूंगी। दोस्तों देखिए झोल अब तैयार है और वो खोल रहा है झोल, तब उसमें मछली को मिला देंगे। थोड़ी देर इसको खोलाएंगे उसके बाद बंद कर देंगे। एक उबाल आने तक इसको रखेंगे। सब खोल चुका है मछली, अपन का तैयार है। ये देखिए अब इसको बंद कर देंगे।